गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.1 ऑन पेज नंबर 161 एनसीईआरटी बुक्स. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एनसीईआरटी बुक्स. सो सी पेज नंबर 161. देयर इज एक्सरसाइज 7.1. सो क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 थ्री पार्ट्स आर देयर. सो वन पार्ट आई एम डूइंग एंड रिमेनिंग टू पार्ट्स यू हैव टू डू इन योरसेल्फ. नो सो फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4, 1. 2 points are there. So first point is A, 2, 3. And second point is B. B is 4, 1. So we have to find a distance between them. So A, B is equal to, write distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 is 4 minus x1 is 2. So x2 minus x1 means 4 minus 2 whole square plus y2 is 1 minus y1 is 3. So 1 minus 3 whole square. Now 4 minus 2 is 2. So 2 is square plus 1 minus 3 is minus 2 whole square. So 2 square is 4 plus minus 2 square is 4. So AB is equal to, we get square root of 8 unit. This is our answer. Distance between A and B is under root of 8 unit. Similarly, you can find part 2 and part 3. Now, question number 2. Question number 2, find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Question number 2. Distance between 36, 15, this point is B and A is 0, 0. You can find the distance between them. So, AB is equal to square root of distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x1, y1, x2, y2. So, x2 is 36 minus x1 is 0. So 36 minus 0 whole square plus y2 is 0. So 15 minus y1 is 0. So 15 minus 0 whole square. Now 36 minus 0 is 36. So 36 whole square plus 15 whole square. Now 36 square. So 36 square is 1296. You can check. 36 into 36. 6 6 are 36. 6 3 are 18 or 3? 21. 3 6 are 18. 1. 3 3 are 9. 1. 10. So 6, 9, 2, 1. So 1296. Now plus 15 square. 15 square is 225. So 1296 plus 225. 6, 5, 11, 10, 2, 12, 3, 2, 5, and 1. So 1, 5, 2, 1. AB distance is equal to square root of 1, 5, 2, 1. So by trial method or by long division method or by prime factorization method, you can find square root of 1, 5, 2, 1. So I think the square root of 1, 5, 2, 1 is 39. So AB is equal to 39 unit. This is your answer. Distance between A and B is 39 unit. So this is question number 2. Now question number 3. In question number 3, determine if the points 1, 5, 2, 3, minus 2, minus 11 are collinear. Means, three points are given, 1, 5, B point is 2, 3 and C point is minus 2, minus 11. So, you can check by a condition, these points are collinear or not. Collinear ka matlab ye hai ki A point, B point and C point. ये तीनों ही पॉइंट यदि स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पर है, तब हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट
कोलिनियर, मीन्स इसकी कंडीशन है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, मीन्स यदि ये 5 है ये 3 है तो ये टोटल 8 होना चाहिए। सो मीन्स हमें इस क्वेश्चन में 3 डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी बी सी एंड ए सी। सो ए बी मैं ए और बी से फाइंड करूंगी, बी सी मैं बी और सी से फाइंड करूंगी, और ए सी मैं ए और सी से फाइंड करूंगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, सो ए बी, ए बी के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, मीन्स 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2, सो माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 2 स्क्वायर इज 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5, मीन्स ए बी ये मेरा आ गया है रूट 5। सो यहाँ साइड में मैंने लिख लिया ए बी इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट। नाउ बी सी, मुझे बी सी फाइंड करना है, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन यूज दीज टू पॉइंट्स, सो बी सी, बी सी इज माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस टू माइनस टू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 होल स्क्वायर, माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 14 स्क्वायर इज 196, सो 16 प्लस 196 66 12 29 11 एंड 2 212 यूनिट। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 212 यूनिट। नाउ ए सी, सो ए सी, ए सी, सो ए सी इज इक्वल टू यूज दीज टू पॉइंट्स, माइनस टू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 होल स्क्वायर, सो माइनस टू माइनस वन इज माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 इज माइनस 16 होल स्क्वायर, माइनस 3 होल स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 16 होल स्क्वायर इज 256 एंड 256 प्लस 9 इज 265 रूट, मीन्स ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265 यूनिट। नाउ द कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कोलिनियर की जो मेरी कंडीशन है वो है ए बी प्लस बी सी, यदि मैं ए बी प्लस बी सी करूं तो ये है मेरा रूट 5 प्लस 212 रूट, और ए सी मेरा है, ए सी ये मेरा है 265, तो ये दोनों पार्ट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है देन वी कैन से कि ए बी एंड सी दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सो दीज 1 2 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। थैंक यू।